अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट सैयद मुबशिर आमिर, आज मौजूद हूँ इकरा यूनिवर्सिटी के तहत होने वाले फ्लावर फेस्टिवल में। तो आए चलते हैं इनसे पूछने के लिए कि ये फेस्टिवल इन्हें कैसा लगा और इनकी लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी गुजर रही है और इनकी एक्सपेक्टेशन वैसी रियलिटी के बारे में। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के बारे में अमूमन यही बोला जाता है कि इनको कम परसेंटेज में भी एडमिशन मिल जाते, तो क्या ये पढ़ने वाले बच्चे हैं या बस टाइम पास वेले हैं? आओ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उजार भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कुछ यार इतने दिन बाद देख के सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि भाई जो है ये माशाल्लाह फ्लावर फेस्टिवल जो है अरेंज कर रहा है। फ्लावर फेस्टिवल क्या है ये? बोला है फेस्टिवल है माशाल्लाह से, दो दिन से हो रहा है ये और मेरी टीम की अनथक मेहनत के साथ। मैं जैसे कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट देना चाहिए मेरी पूरी सोसाइटी, मेरी टीम के मेम्बर्स को देना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया है। मतलब ये है कि सुबह 5 बजे आके SMDs वगैरह लगवाई हैं और सुबह 8 बजे से आके पूरे जैसे कह सकते हैं कि टेंट्स वगैरह लगवाएं। इवन मैंने खुद पॉट उसाने में हेल्प करी है, तो ये ऐसे स्टूडेंट्स की मेहनत है। स्टूडेंट्स ऑफकोर्स स्टूडेंट्स हैं, कई यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो मेरी टीम के मेंबर्स भी हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, आपका सोसाइटी के कैंपस हेड्स हैं, आपका इसमें डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग है, इसके अंदर सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं, फाउंडर्स, को फाउंडर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। लोग ये क्यों समझते हैं IU के बारे में कि यहाँ पढ़ाई इतनी खास नहीं होगी या फारिग स्टूडेंट हैं? माशाल्लाह मैं तो देख रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है सब। देखिए अगर आपको बात दो, अगर पढ़ाई नहीं होती ना तो आज हम इस मकाम पे खड़े नहीं होते। हमारी इन सबकी टीम में GPA पूछेंगे, सबकी 3 से अबव CGPA है, क्योंकि हमारी CGPA देखते हुए मद्देनजर रखते हुए अच्छे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स को ही आगे लेके आते हैं वो लोग। अदरवाइज वो फिर कहते हैं कि जब तक आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं आप आगे फेस नहीं बन सकते। लेकिन इकरा यूनिवर्सिटी इटसेल्फ जो है स्टूडेंट को ग्रूम करने में बहुत हेल्प करती है। यहाँ के जो कोर्सेज और कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ ऐसी जो फील्ड वर्क जो है वो स्टूडेंट को ग्रूम करने में सीखने में बहुत मदद देता है। तो मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि वाकई इकरा यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ है। बहुत शुक्रिया उजैर भाई आपको यहाँ पे देख के मुझे ज़ाती तौर पे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। बाय द वे आपको बताता चलूँ, ये मेरे बहुत पुराने इंटर के दोस्त हैं, सेकेंड ईयर, और हम लोग साथ अक्सर हैंग आउट्स करते थे, तो बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, मिलकर अच्छा लगा आपसे। मुबशर शुक्रिया, आता हूँ फिर मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आप? मोहम्मद बिलाल रियाज। आपका? आजम जमीर। कैसा लग रहा है? वैसे आप ही लोगों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है लेकिन लग कैसे रहा आगे? बस यार अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो इवेंट अच्छा जा रहा है और थकन बहुत हो गई है क्योंकि जाहिर है अब इतना बड़ा इवेंट करने के लिए बैकएंड पे भी बड़ी मेहनत चाहिए होती है, तो उसकी वजह से सोसाइटी ने बड़ी मेहनत करी। हमारी दोस्तियाँ बनती हैं? बिल्कुल बनती हैं यार, सोसाइटी के अलावा भी यूनिवर्सिटी में दोस्तियाँ बनती हैं, कोर्सेज में बनती हैं, हर कोर्सेज में डिफरेंट दोस्त होते हैं हम लोगों के। कोई ऐसा नहीं है कि एक कोर्स में जो साथ हो गया वो हमेशा साथ ही रहे। यार इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है या शशके ज़्यादा है? देखिए यहाँ पढ़ाई भी है और शशके भी हैं, अब बंदे के ऊपर हो किसको किस तरह लेके चलता है। अब लोग बदनाम करते हैं कि इधर पार्टी और इवेंट ज़्यादा होते हैं और पढ़ाई नहीं होती इतनी। नहीं ऐसा नहीं है, इकरा वाले ले तो सबको लेते हैं आसानी से, लेकिन हम निकालते भी उसी तरह हैं जिस तरह लेते हैं। तो बंदे के ऊपर है, बंदा इवेंट्स में लग जाए या पढ़ाई कर ले, दोनों लेके चलेगा तो उसके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है। क्या लड़का और लड़की अच्छे दोस्त हो सकते हैं या उनमें से कोई एक? नहीं नहीं, लड़का लड़की अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं। आपकी जो सोसाइटी है जिसने ये पूरा फंक्शन अरेंज किया इसमें जाहिर सी बात है लड़के और लड़की दोनों होंगे? जी जी सब है, लड़के भी हैं लड़कियाँ भी, सब टीम वर्क से। पढ़ने में अच्छा कौन हो? पढ़ने में दोनों ही अच्छे होते हैं, कई जगह लड़के भी अच्छे हैं कई लड़कियाँ भी हैं, ये नहीं है कि सब लड़कियाँ अच्छी हैं। भाई इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ने में लड़कियाँ अच्छी हैं या लड़के? यार ये तो कोर्सेज पे डिपेंड करता है, वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो लड़कियाँ ही होती हैं ज़्यादा पढ़ने वाली, लड़के तो यही आउटसोर्स काम वगैरह में ही होते हैं सारे। पढ़ाई वढ़ाई से उनका क्या ताल्लुक, बस उनसे यही इस तरीके का ही काम करवा लो बस। फेवरेट फ्लावर कौन सा है आपका? यार फेवरेट रोज था लेकिन अब चेंज कर दिया। कोई मसला नहीं, समझ गया मैं, बहुत शुक्रिया जी भाई। रेट वेट बताएं इसके क्या है? सर ये 50 का है, ये 50 का है जी, ये 100 का है, 100, ये भी 50 का है सर, ये 250 का है गुलदस्ता, 250 का है। यार ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, 250 का खरीद लेता है, देने वाला हाथ नहीं है कोई मेरे पास। ठीक है लेकिन कोई ना कोई खरीद लेगा ये। हाँ बेशक आप हमारी तरफ से ले जाएं। नहीं नहीं नहीं, नहीं बहुत मोहब्बत आपकी है। गजरे नहीं है आपके पास? ये गजरे ही हैं सर। अच्छा इसी को, और जो सर वाले होते हैं वो सर पे भी लगाया जाता है, वो अलग से। हाँ लगा सकते हैं सर पे, जूड़े पे ये लगाया जा सकता है। ये 100 रुपये का जी? बिल्कुल ये
सिंगल रोज है वो भी 50 का है। टोटल कितना स्टॉक लाए थे आप? ये तकरीबन काफ़ी लाया था, आधा सेल कर चुका हूँ मैं। एस्टिमेटेड आइडिया कितने की सेल हो गई है, नेट प्रॉफिट बताएं खाली आप? प्रॉफिट अभी इतना नहीं हुआ होगा, लेकिन सेल हो गई है तकरीबन 2000 रुपये की। अच्छा माशाल्लाह 2000 की सेल है, तकरीबन प्रॉफिट हुआ होगा। अच्छा 22-25% का मार्जिन? जी जी बिल्कुल। सर यार बेस्ट ऑफ लक, और मैं चाह रहा हूँ इधर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स खरीदें एक दूसरे के लिए और आपकी सेल बढ़े। ये चाह रहे हैं हम दोनों ही, लेकिन देखने वाले ज़्यादा हैं, देखकर खुश हो रहे हैं, दिलाने वाला कोई नहीं है, लेने वाला स्टूडेंट्स है ना यार। ये बात है, इस वजह से तो इंशाल्लाह फैमिलीज आएंगी ना खरीद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी सिद्दीकी बर्ड्स एंड पेट्स की तरफ से वासे भाई आज हमारे साथ हैं। जी बताएं इसके बारे में क्या है? सर ये इंपीरियल ईगल है। मारेगा तो नहीं है मुझे? कुछ भी नहीं करेगा, ये सारे मेरे टीम है और मेरा अपना फार्म है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मैं वहाँ पे रखता हूँ और मेरे पास बहुत कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आए इतनी रश वाली जगह में ये हैंडल हो जाता है? ये टीम है मेरे, ये पालतू है मेरे, मैं आपको और भी दिखाता हूँ, मैं अनहुडिंग भी करके दिखाऊंगा आपको। हाँ मुझे डर लग रहा है वैसे। देखा है शाहीन है, नेशनल शाहीन है भाई। इकबाल की जो शाहीन है ये वो है, ये देखें आप, ये शाहीन है और ये पाकिस्तान का इकबाल साहब ने जो है अपनी किताबों में जिक्र किया, ये वो है, लोग इसको समझते हैं लेकिन ये है। अच्छा शाहीन का साइज छोटा है, इतना ही होता है? यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लोग इसको शाहीन समझते हैं, ये शाहीन नहीं औकाब है, ये है और ये शाहीन। हाँ ये देखें, ये सब मेरे टेम है, ये पकड़े, ये लो आप आगे आए, ये भी एक इंपीरियल ईगल है। ये सर जो सर क्यों झुका है, नाराज है आपसे? ये नाराज नहीं है, थोड़ा थक गए हाथ पे ले लेके। अच्छा, ये भी देखें आप, ये स्टेपी ईगल है, मैं इसको भी अनहुड करके दिखाता हूँ, ये भी मेरा टेम है। काटेगा तो नहीं ना? डर लगा नहीं करेगा, आप मेरे बराबर में खड़े रहे बस। ये देखें आप, ये देखें, ये सब मेरे टेम है। साइज बहुत बड़ा है इसका, इसको थोड़ा ऊपर करके वेव करें। मेरे पास इतने भी ज्यादा बड़े हैं, आप अगर विजिट करें गडाप मेरे फार्म पे, कुछ करते नहीं है आपको, मुझे डर लग रहा है इसके साथ खड़े। आपके साथ खड़ा हूँ, ये कुछ भी नहीं करेंगे, शायद आप अगर अकेले में इसको खोलें तो ये कुछ करें, लेकिन उम्मीद है कि तब भी नहीं करेगा 50%, क्योंकि हिम्मत है भाई आपकी, आपने इसको बिल्कुल पेट की तरह बनाया हुआ है, हालांकि लोग इससे डरते हैं। हाँ बिल्कुल, जब ये पकड़ा जाता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, इसको टेम करना पड़ता है। अब मैं आपको और दिखाता हूँ, उसको भी अनहुड करके दिखाता हूँ। ये नाराज नहीं होता जब आप ये कवर करते हैं? नहीं नहीं नहीं, अब इसकी आदत हो गई है। अच्छा। हाँ अलावा मेरे पास ये कैस्ट्रॉल है, ये कैस्ट्रॉल है, इसको बाद में मैं अनहुड करके दिखाता हूँ। इसमें और शाहीन में क्या फ़र्क है? फर्क ये है कि ये साइड में छोटा होता है, इसका जो पंजा है ना ये भी छोटा होता है, ये चिड़िया पकड़ता है, खरगोश नहीं, शाहीन जो है वो खरगोश पकड़ेगा, उसका पंजा बड़ा है, और ये तो बकरा भी। अच्छा ये बकरा भी पकड़ लेता है? बकरा, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी। अब आप आगे आइए, ये मेरे पास मार्लिन है, बड़ी पैंती चीज़ है, ये भी माइग्रेट करके आती है।
ये कहाँ की है? ये भारत ही आती हैं सब, ये कश्मीर वगैरह और इंडिया वगैरह में ब्रीड करती हैं, अफगानिस्तान में करती हैं ज़्यादातर, ये यहाँ पे आती है माइग्रेट करके। ये बाज कहलाता है। बाज? हाँ, ये वही बाज है जिसकी मिसाल देते हैं। हाँ, ये वही बाज है। अनहुड करते हैं इसको आप? नहीं, इसको अनहुड मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा मचलता है। अच्छा, सही। हाँ, लेकिन ये टेम में उड़ के आता है मेरे पास, यहाँ पे थोड़ा सा करेगा। इसके अलावा टर्टल है। ओहो, क्रोकोडाइल लाओ। ये टर्टल के अलावा टॉर्टोइज है, ये क्रोकोडाइल है। ये क्रोकोडाइल है? ये मेरे पास बड़े भी हैं। अच्छा, क्रोकोडाइल और एलिगेटर में क्या फर्क होता है? सिर्फ नोट का फर्क होता है, वो लंबी होगी। क्रोकोडाइल का जबड़ा चौड़ा होगा। ये बच्चा है उसका भी? हाँ, इसकी नोज अगर लंबी होती तो ये एलिगेटर होता। हाँ, अब ये देख लिया आप, ये पिजन है मेरे पास। आओ पिजन। ये पैंती पिजन है, सारे पैंती पिजन है। सही है, ये जर्मन टाई है। सही है, इसको सैटेनाइट भी कहा जाता है। और ये जर्मन ब्यूटी है ओरिजिनल, ये रिंग बर्ड के बच्चे हैं। ये देखें, ये रिंग बर्ड के बच्चे। जरा टाइम करवाए मेरे पास। और ये भी फुल टेम है, ये आ जाती हाथ में। हाँ, उड़ के मेरे पास हाथों पे बैठते हैं। ये देखें आप, ये आपके पास बैठा रहेगा जब तक आप बिठाएंगे, घर में तो ये बैठे रहते हैं। एक मिनट, इसका हाथ हाथ नहीं छोड़े आप, ये बैठे रहते हैं। इसकी नाक में क्या कुछ हुआ है या ऐसी स्पॉट होता है इसके? अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये दिखाऊं, ग्रे पैरेट। ये रखिएगा, फिर मैं वो पकड़ता हूँ। ये ग्रे पैरेट है, ये आप अपने हाथ में बिठाएं, ये बोलता है, टॉकिंग करता है। भाई सच बता रहे हैं ये? हाँ, लेकिन ये यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे शर्मा रहा है, ये शरार हो जाता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, बात करते हो, गलत साबित कर देगा आपको ये। लेकिन फिर भी बहुत घर में मकाओ रखते हैं आप? जी, मैंने मकाओ रखा है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं लगी। अच्छा, आपको ये ज़्यादा पसंद है? बहुत बोलता है ये, पूरे पैराग्राफ आप अगर हटा दें तो वो भी बोलेगा। चलो, बहुत अच्छे बर्ड्स हैं। वासे नाम है ना आपका? वासे भाई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वासे भाई आपके टाइम का, और बहुत अच्छे बर्ड्स हैं, थैंक यू। इसके अलावा फार्म आए तो इंशाल्लाह और चीज़ें दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे लगाने का मकसद ये था कि आजकल जो है हमारी जो न्यू जनरेशन है उसका ध्यान एग्जॉटिक बर्ड्स और एग्जॉटिक एनिमल्स पे है, क्रोकोडाइल हो गया, ईगल्स हो गए, तो इसलिए लगाया, क्योंकि यहाँ पे लोग बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं, कुछ और बता के कुछ और देते हैं, दो नंबर ही। हाँ, दो नंबर ही इतनी करते हैं ये जो बेचने वाले हैं। इस वजह से मैंने लगाया। अभी एक लड़की का मेरे पास फ़ोन आया, उसने मुझे कहा मैंने 2 लाख रुपये का ख़रीदा है, हालाँकि वो 25,000 से ज़्यादा का नहीं था, 8 गुना ज्यादा कीमत थी। तो मैंने ये लगाया कि लोगों को बता सकूं कि ये इतना महंगा नहीं है। आपके साथ एक अलग कंप्लीट व्लॉग बनाना पड़ेगा बर्ड्स के ऊपर, क्योंकि आज बहुत बड़ा इवेंट है, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया भाई। डीएमसी ईस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर भी आए हैं, और इस साइड से आगे देखते हैं जरा। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? सैयद अरीब। कैसा है फंक्शन, और इवेंट कैसे जा रहा है? यार अभी तक तो ठंडा चल रहा था, लेकिन हम एंजॉय करने वाले हैं तो वजह निकाल ही लेते हैं एंजॉय करने की। मैंने सुना इकरा यूनिवर्सिटी में सिर्फ इवेंट्स और ये पार्टी फंक्शंस होते हैं, पढ़ाई वगैरह ऐसा सीन है नहीं है? यार इवेंट्स में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी हो जाती है। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ, पढ़ाई होती है उसमें थोड़ी थोड़ी इवेंट। पढ़ाई अच्छी है, कल को कुछ होना है ना इस वजह से। बाकी मैं कह रहा था कि हाँ पढ़ाई बहुत अच्छी है, समझ में आ जाता है। आप बताएं, क्या लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं या फिर कोई एक जो है किसी खास तरफ चले जाते हैं? मेरे वैसे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, तो आई गेस हो सकते हैं। हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। और इधर पढ़ाई वगैरह कैसी? पढ़ाई वगैरह ये तो ऐसे ही बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब पढ़ाई होती है ना तो बड़ी सही से होती है। परसेंटेज क्या थी इंटर की? अब ये तो पुरानी बात हो गई।
परसेंटेज तो अच्छी खासी थी माशाल्लाह। सुनने में आता है सिर्फ सांस चलनी चाहिए एडमिशन मिल जाता है, ऐसा सीन है या मेहनत करनी पड़ती है? वेरी ऑनेस्ट, सांस चलनी चाहिए एडमिशन मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जब इतना रगड़ा लगाती ना बच्चों को ताकि फिर वो पढ़ गए तो फिर उसके बाद बड़े प्यार से लोग निकालते हैं, कहते हैं कि यार आपका बच्चा एक तो नालायक था, पढ़ पाया नहीं है, हमने इसको एडमिशन दिया, उसके बाद यहाँ पे भी आपका बच्चे ने आके टाइम और पैसा वेस्ट किया। ये तो अच्छी बात है ना, पर्सनल डेवलपमेंट हो गई, आया था कुछ और बन के निकल रहा है वो कुछ और। यार अगर इकरा को मैं दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करूँ ना तो इसका मतलब मैार बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो कॉन्सर्ट्स वगैरह आप देख रहे हैं इन सब चीज़ों से ना बच्चों के कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं लोग, तो ये आप समझ लो कि प्रैक्टिकल लर्निंग है ये। आप बताएं भाई खामोश क्यों, सन्नाटे में क्यों है, आप बताएं थोड़ा। आपने कुछ पूछा नहीं। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ माजरा सर, आपकी सी जी बी ए कितनी आई थी? 3.8 चल रही है फिलहाल, 3.6 चल रही है। अच्छा स्कॉलरशिप पे है? स्कॉलरशिप मिल गई मुझे पहले सेमेस्टर में मिल गई थी अल्लाह के करम से। और इंटर में परसेंटेज कितनी थी आपकी? कट कर देना 50। उस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिली है? यहाँ पे मिली नहीं है, मैंने हासिल करी है पहले सेमेस्टर में रिजल्ट आके। और कितनी थी उस वक्त आपकी परसेंटेज इंटर में? इंटर में नहीं, इधर यूनिवर्सिटी की कह रहा हूं। यूनिवर्सिटी में मतलब 50 पे एडमिशन हुआ था, उसके बाद पहला सेमेस्टर हुआ, पढ़ा, रिजल्ट आया, फिर टॉप किया कह सकते हैं। दुश्मन तो बनते होंगे, स्नेक फ्रेंड मिलते हैं? मुझे अच्छे ही मिले, ये मेरे पहले सेमेस्टर के फ्रेंड। यूनिवर्सिटी में स्नेक्स फ्रेंड्स मिलते हैं? कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन मिलते हैं। आई गेस हर तरीके के लोग होते हैं, बाकी ये सारे वाकई में मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और इनके साथ अभी तक हूँ मैं। से मुझे बोल रहे हैं हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। ये दोस्त नहीं है एक्चुअली हाथ नहीं मिलाता। अच्छा ये बताएं ये टीम रेवोल्यूशन ने जो फ्लावर फेस्टिवल किया कैसा ऑर्गेनाइज है? यार फ्लावर फेस्टिवल तो काफी अच्छा ऑर्गेनाइज किया। आज हमने बहुत अच्छा इवेंट कवर किया, इकरा यूनिवर्सिटी का फ्लावर फेस्टिवल था, शायद 2 या 3 दिन से हो रहा है और हम बहुत सारे लोगों के साथ वीडियो बना के निकल रहे हैं बाहर की तरफ, तो अगर कोई बात लगी हो तो बुरी लगी हो तो माजरा, और मुझे ओवरऑल अच्छा फंक्शन लगा है। थैंक यू टीम रेवोल्यूशन और उजैर भाई आपका दिल से बहुत शुक्रिया, आपने इतना एक्सेस दिया, ओवरऑल अच्छी अरेंजमेंट थी और क्राउड भी काफी अच्छा था, एंटरटेनिंग थी, मेरी तो बहुत सारों से दोस्ती हो गई, तो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सैयद मोशिर आमिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।